बीजापुर में नगर पालिका और प्रशासन की लापरवाही से बस स्टैंड और उससे लगे इलाकों में लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। दरअसल यहां खुले मटन की दुकानों पर सैकड़ों किलो वेस्टेज यहां से निकलता है और रोजाना खुली जगहों पर फेंक दिया जाता है, और जिसका 5 महीने में औसतन 40,000 किलो से ज्यादा वेस्टेज अब तक फेंका जा चुका है, जिसकी सड़न और बदबू की वजह से व्यापारी और यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही है ना। तो इसके वजह से पूरा इतना बदबू आता है कि यहाँ बैठ के चाय तक नहीं पी सकते हैं। लोग तो ऐसा घबराहट में होने लगते हैं कि यहाँ चाय पीते पीते कोई गंभीर व्यवस्था से मतलब पूरा गंदगी नाक में आके तबियत उबियत ना खराब हो जाए, इसलिए यहाँ के लोग बैठ के चाय भी सुकून से नहीं पी पाते। बहुत प्रॉब्लम होता है सर हम लोग को, मतलब कि जो मांसाहारी है, जो चिकन मार्केट है, उससे हम मतलब जो सड़न उड़न है, जो उसको पैसे छेक देते हैं, तो हम लोग को बाहर निकलने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत बदबू आता है।